जहां एक तरफ दो की संख्या में बदमाशों ने रिटायर्ड एएसआई का पैसा लेकर भाग रहे थे, वहीं वहां पे मौजूद लोग इस पूरी घटना का तमाशा देख रहे थे मुख दर्शक बनकर। गौरीशंकर ठाकुर ने बताया कि जमीन खरीदने के लिए बैंक से 2 लाख रुपए निकाले थे, जब बदमाश उनकी स्कूटी के डिक्की से रुपए ले भाग रहे थे तो उन्होंने एक का कॉलर पकड़ लिया, इतने में उन्होंने धक्का दिया और भाग गए, जिससे वो रोड पर गिर पड़े। बाद में इसकी सूचना पुलिस को दी। घटना के समय पेट्रोल पंप के पास कई लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने बदमाशों का प्रतिरोध नहीं किया। किसी एक व्यक्ति ने भी बदमाश का प्रतिरोध नहीं किया होता तो आज बदमाश पकड़े भी जाते और पैसा लूटने से भी बच जाता। यहां तक कि पेट्रोल पंप पर सुरक्षा गार्ड भी रहते हुए, लेकिन गार्ड भी कुछ नहीं किया। बाद में सूचना मिलने पर नवादा थाना अध्यक्ष सुबोध कुमार भी पहुंचे। सुबोध कुमार ने कहा कि जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार किया जाएगा। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला गया। सुबोध कुमार ने शहरवासियों से इन बदमाशों को पकड़वाने की अपील की है। इन्होंने कहा कि वीडियो में दिख रहे बदमाश जहां कहीं भी दिखे तो नवादा थाना के नंबर पर फोन कर उन्हें जानकारी दे। लेकिन आखिर ये कब तक चलता रहेगा शहर में, पूरे देश में? क्योंकि जिस प्रकार से बदमाश आए दिन राह चलते लोगों का झपट्टा मारकर पैसा ले उड़ते हैं, चेन छीन लेते हैं, और वहां खड़े तमाम लोग बस मूक दर्शक बन के तमाशा देखते हैं, कहीं ना कहीं मानवीय संवेदनाओं को ये चोट पहुंचने वाली बात है कि जिस प्रकार से ये घटना है आपके शहर में हो रहा है। जैसा कि आप विगत दिन बिहिया में भी यूको बैंक में इसी तरीके का घटना हुआ था, वहां पर भी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है। क्या उस शख्स के जिस प्रकार से आप देख रहे हैं सीसीटीवी फुटेज में कि बदमाश किस प्रकार से बुजुर्ग को घसीटते हुए रौंदते हुए भागते हैं और सारे लोग महज तमाशबीन बनकर तमाशा देखते हैं।